गतिविधियां थी, हमें वो बर्दाश्त नहीं हुई। और ऐसी गतिविधियां, हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं और हमारे देश में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? हमारे देश में ऐसी गतिविधियां हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करेगा। देश विरोधी गतिविधियां अगर हमारे यहां कोई करेगा तो उसे इसी तरीके का जवाब दिया जाएगा जैसा हमने कल शाम को दिया है। और इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ इतना गलत बोलना और किस तरीके का इन लोगों का जो है व्यवहार है, कई वर्षों से जेएनयू कम्युनिस्टों का अड्डा है और ऐसे अड्डे हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। पहले से हम लोग अपने धर्म के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। ऐसी गतिविधियां हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कल की जो जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल लेता है। अगर आगे भी किसी ने ऐसी देश विरोधी गतिविधियां करने की कोशिश की तो हम ऐसी ही कार्रवाई आगे भी यूनिवर्सिटियों में कराएंगे। ये जिम्मेदारी सारी हिंदू रक्षा दल लेता है। हिंदू रक्षा दल, भूपेंद्र तोमर, पिंकी चौधरी, ये जिम्मेदारी लेता है। कल जो जेएनयू में घटना हुई है वो सब हमारे कार्यकर्ता थे। और जो भारत मां के लिए ऐसे काम भी नहीं कर सकता है, उसे इस देश में, इस भारत मां के लिए कोई अधिकार नहीं है यहां रहने का। हम लोग अपने देश के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, अपनी भारत मां के लिए, हमारे प्राण हमारी भारत मां के लिए हैं। और जो भी धर्म के खिलाफ बोलेगा हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे भी ऐसी गतिविधियां करेंगे अगर किसी ने भी ऐसा काम कर